स्टूडेंट्स, NTA अर्थात नेशनल टेस्ट एजेंसी ने जो है वो नेट एग्जामिनेशन, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो डेट अनाउंस कर दिया है, अर्थात दिनांक की घोषणा जो है वो कर दी है। अब ये जो दिनांक की घोषणा या जो डेट अनाउंस हुआ है, कई स्टूडेंट्स अभी भी इसमें जो है वो संशय की स्थिति में बने हुए हैं कि क्या ये सही है या ये ऐसे ही फेक है, अफवाह है। तो मैं आज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करना कर देना चाहती हूँ। मैंने अभी आपके सामने ओपन ही कर रखा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का मैंने जो है वो वेबसाइट ओपन किया है। अगर आप सिंपल जो है NTA अगर आप गूगल पे, याहू पे या किसी भी सर्च इंजन पे अगर आप डालते हैं, सिंपली अगर आप NTA भी डालते हैं तो देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है, यहाँ पे ओपन हो जाता है और इसकी पूरी वेबसाइट जो है वो यह हमारे सामने ओपन हो गई। अब हम कहाँ पर जा करके इसको देख सकते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन की डेट जो है वो दी हुई है। आप यहाँ पर जो स्क्रीन दिया हुआ है, होम है, अबाउट अस है, स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट पर जाइए। स्टूडेंट पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पे देखिए लेफ्ट साइड में यहां पे थर्ड नंबर पे आ रहा है UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। हमारा कंसर्न इसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए है, हम लोग प्रिपरेशन इसी के लिए कर रहे हैं और एग्जाम हमें इसी कोर्स के लिए देना है। तो UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हम जो UGC की साइट है उसकी साइट पे हम पहुंच जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे साइट पे पहुंचेंगे तो देखिए न्यूज़ एंड इवेंट का जो है आपके सामने एक स्क्रॉल हो रहा है, दिख रहा है आपको, उसके अंदर जो है आपके न्यूज़ जो है वो स्क्रॉल हो रहे हैं। इस स्क्रॉल होते हुए न्यूज़ को जो है एक बार हमें क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए आपके सामने शेड्यूल जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, शेड्यूल क्या हुआ, ओपन हो गया। ये हमारा शेड्यूल ओपन हो गया। ये शेड्यूल जो है वो कब डाला गया है, 20 अगस्त को डाला गया है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 20 अगस्त को जो है ये डाला गया है। मैं ये पढ़ देती हूँ किस कंसर्न में है ये। तो हम इसका सब्जेक्ट देखते हैं, डेट्स फॉर वेरियस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कई एग्जाम्स कंडक्ट करवाने हैं तो उनके रिगार्डिंग जो सितंबर महीने में, सितंबर माह में जो है वो जो एग्जाम्स उनको लेने हैं उनका उन्होंने एक शेड्यूल जो है वो जारी किया है। एक बार हम लोग देखते हैं क्या है ये। Keeping in the view the academic interest of large number of students, the Ministry of Home Affairs, that is MHA, has agreed to the proposal of MHRD, now abhi MOE ho gaya hai wo, for conducting various entrance examination in the month of September 2020. Accordingly, in modification of dates announced earlier, यानी कि पहले भी जो है इस तरीके की डेट अनाउंस हो चुकी हैं एंड उसमें मॉडिफिकेशन किया जा चुका है, एंड इन कंसल्टेशन विथ रेस्पेक्टिव एडमिटिंग यूज़र ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पहले भी जो अनाउंसमेंट हुई हैं, पहले भी जो डेट्स को लेके कंफर्मेशन दिए गए हैं, जो मॉडिफिकेशन हुए थे उसके रिगार्डिंग फिर से वापस से जो है जो कंसर्निंग जो ऑथराइज पर्सनालिटी हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वापस जो है कंसर्न करके, उनके साथ मिल करके अभी जो है ये डेट का जो है वो डिक्लेरेशन किया गया है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट इज NTA हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट द फॉलोइंग एग्जामिनेशन एज पर डिटेल गिवन बिलो अगेंस्ट ईच एग्जामिनेशंस। यानी कि उन सबसे डिस्कस करके इन्होंने जो है वो डेट्स को जो है वो डिसाइड किया है और ये जो है वो डेट्स हैं जो सितंबर में NTA जिसको कराना चाहती है। तो मैं एक बार क्विकली जो है वो ले लेती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिनको एंट्रेंस एग्जाम देना है 6 से 11 सितंबर को है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का एग्ज़ाम जिनको देना है वो 7 से 8 सितंबर तक देंगे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम 15 सितंबर को है। ये हमारा मेन जो है वो कंसर्न कोर्स है, दैट इज़ UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट UGC नेट। जून जो हमारा जून में पेपर होने वाला था वो हमारा दो पारी में होगा, एक 16 से 18 सितंबर के बीच और एक 21 से 25 सितंबर के बीच।
ठीक है, 16 से 18 सितंबर के बीच और 21 से 25 सितंबर के बीच हमारा जो नेट जून में होना था वो एग्जाम कंडक्ट होगा। अब इससे संबंधित और ज़्यादा डिटेल अगर हमें चाहिए तो हम ugcnet.nta.nic.in पे जा करके पूरी डिटेल को देख सकते हैं, या फिर हमें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो हम ugcnet@nta.ac.in पे अपने मेल को जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं कि हमारी क्या क्वेरी है। ठीक है, उसके बाद ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 28 तारीख को है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो वो 4 अक्टूबर को होगा, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो है वो एग्जाम अभी बहुत जल्दी वो अनाउंस करेंगे, अभी उसकी कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है। तो ये जो है डेट जो है वो एनटीए की तरफ से दिया गया है। अब एक और ज़रूरी सूचना है वो भी मैं आपको पढ़ लेती हूँ। द डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड इंडिकेटिंग रोल नंबर सेंटर डेट शिफ्ट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल कमेंस अबाउट 15 डेज बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द रेस्पेक्टिव ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दीज एग्जामिनेशंस। अर्थात जो आपका एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड जिसमें आपका रोल नंबर होगा, जिसमें आपका सेंटर होगा, जिसमें आपकी डेट लिखी होगी कौन से शिफ्ट में होगी और टाइमिंग क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो एडमिट कार्ड में होंगी। और ये एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम की जो डेट दी हुई है इससे 15 दिन पहले कहाँ पे होगी, जो आपका कंसर्निंग वेबसाइट है। अर्थात मैंने इतने सारे एग्जामिनेशंस के नाम आपको दिखा दिए जो एनटीए के द्वारा दिखाए गए हैं या दिए गए हैं, तो उन्होंने कंसर्न वेबसाइट भी साइड में दे रखी है। तो हमारा जो यूजीसी नेट वाला जो एग्ज़ाम होगा वो 16 से 18 सितंबर के बीच है और 21 से 25 सितंबर के बीच है। तो हम लोग जो है 16 तारीख से पहले अर्थात 15 दिन पहले जो है वो वेबसाइट पे आ जाएगा, ugcnet.nta.nic.in पे जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली एक शेड्यूल था जो आप लोगों को बताना ज़रूरी था। मुझे पता है कि हालांकि अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम जून में होना था और अभी सितंबर में होने जा रहा है, तो आपको अच्छी खासी तैयारी का समय मिल गया, लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि जो समय मिला है वो मेंटली कितना लोगों को डिस्टर्ब करके रख रखा है। लेकिन जो लोग सेल्फ स्टडीज़ पे बिलीव करते हैं, जो लोग अपनी तैयारी को खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होकर के करते हैं, मुझे लगता है ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत अच्छा समय था जब वो बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर पाए। और गाइडेंस एंड किसी जगह से प्रिपरेशन करना, किसी मेंटोर के थ्रू प्रिपरेशन करना शायद अभी पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड-19, आप लोगों को पता है। तो अब बहरहाल जैसा भी है, मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी का लेवल जो है मोर और लेस सभी स्टूडेंट्स का एक जैसा ही आएगा। तो अब एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो एग्ज़ाम की डेट को फॉलो करते हुए हमारे पास जो भी समय रह गया है, एक महीना भी नहीं है ढंग से, लेकिन फिर भी जो भी समय हमें मिला है, इस समय में हमें अपनी खुद की रणनीति बनानी है। विषयवार आप जिस भी विषय से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप विषयवार अपनी रणनीति बनाइए और रणनीति बना करके आप उसको फॉलो कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और जैसा भी है, जो भी है, जितना आप समय इसके साथ दे सकते हैं, अब जो भी समय बच गया है आप इसमें बिल्कुल ऐसा टाइम दीजिए, आप ये समझिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, बिकॉज़ ये जो चुनौती है, इस चुनौती का सामना जो है हमें करना है। और इसमें अगर आप निकल जाते हैं दैट मीन्स व्यवहारिक रूप से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो सिचुएशंस को समझते हुए, उसके एनालिसिस को देखते हुए और अभी के समय परिस्थिति को देखते हुए आप अपनी तैयारियों में जो है वो शिद्दत से लग जाइए। और मेरी शुभकामनाएं नेट GRF एकेडमी और संपूर्ण अस्तित्व परिवार की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। थैंक यू सो मच।